देखिए ये तो हम इतना बड़ा कर रहे हैं, इसके अलावा भी तकरीबन हिंदुस्तान के ऐसे 14 नवंबर को हमने वेस्ट बंगाल में इतना ही बड़ा मेडिकल कैंप हमने प्लानिंग किया 2 लाख से लेकर 3 लाख लोगों के लिए, ये आसनसोल में रहेगा जो कि हमारी वेस्ट बंगाल की टीम की रिक्वायरमेंट है। तो हमने उस दिन चिल्ड्रन डे आता है आप लोगों को मालूम है, और चाचा नेहरू का बर्थडे भी आता है, तो इसलिए कलकत्ता के हमारे जो टीम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने ये किया कि 14 नवंबर को हम वेस्ट बंगाल के आसनसोल एरिया में हम जहाँ के हमने 200 गाँव को गोद लिया हुआ है उस एरिया में हमने करने का हमने प्लानिंग किया है। ऐसे ही राजस्थान में हमने मार्च में गंगानगर में जो कि निहाल चंद मेघवाल जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं और पंचायती राज मंत्री रहे हैं और केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्री रहे हैं, उनके रिक्वेस्ट पे वो भी हमारे टीम के पार्ट एंड पार्सल हैं, तो उनके लिए हमने मार्च एंड अप्रैल के मीड में रखा है। और फिर हमने अप्रैल और मई के बीच में फिर हमने बॉम्बे में भी एक हमने प्लानिंग रखा है। तो इस तरह से हमारे मिशन एंड मुहिम यही खत्म नहीं होने वाली है, ये तो एक तरह की शुरुआत की सेकंड कड़ी है। 28 फरवरी हमारी पहली एक इस साल की सबसे बड़ी ये थी, और ये एक तरह से सीढ़ी का यह दूसरा पायदान है, एंड एक एक करके पायदान आप लोग के सपोर्ट से कामयाबी हासिल करने का हमारा एक प्लानिंग है। और मैं चाहूँगा कि हम लोग हिंदुस्तान में इस चीज़ को ऐसे ही हम बढ़ चढ़ करके हम लोगों के लिए सेवा के लिए हम अग्रसर रहे और आपका एक विशेष योगदान रहे और लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा देने में सहयोग और सपोर्ट देने में और हेल्दी भारत स्वस्थ भारत बनाने में एक आर के एच आई वी एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर के टीम का एक बहुत बड़ा योगदान रहे। साथ में मैं 2 अक्टूबर को ये भी अनाउंस करूँगा कि आप लोगों को मालूम है कि हिंदुस्तान में 7 करोड़ से ज़्यादा की आबादी आप डायबिटीज रोग से जो कि लोग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं सुख रोग, हमारे भारत के वाले सुख रोग बोलते हैं क्योंकि आ जाता है और अंदर 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 इतना बड़ा पॉइजन का रूप देता है। एचआईवी पे तो हम लोगों ने काम किया और एक एचआईवी को हम लोगों ने इतना उसका लेवल नीचा कर दिया कि आज एचआईवी से बहुत कम लोगों को आप सुनते होंगे कि एचआईवी से लोगों की मौत होती है, एंड एचआईवी को लोगों ने कहीं ना कहीं समाज में लोगों ने सोसाइटी में अपना लिया है कि ठीक है एचआईवी उस तरह की चीज़ नहीं है जिस तरह की चीज़ से हम लोग इतना डरते थे। एचआईवी कोई छूना नहीं चाहता था, जानना नहीं चाहता था, देखना नहीं चाहता, बट आज कहीं ना कहीं किसी की फैमिली में अगर एचआईवी वाला अगर पेशेंट है तो लोग उसे सपोर्ट करते हैं, ट्रीटमेंट दिलाते हैं, एंड मेरा वादा है कि एचआईवी वाले को हम कभी मरने नहीं देंगे अगर आप लोगों के सपोर्ट से अगर उसका ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं किसी हॉस्पिटल में अगर शुरू हो गया तो, इसलिए कि ट्रीटमेंट बहुत अच्छी आ गई है एंड एचआईवी के पेशेंट हर तरह की चीज़ें जो आम इंसान करता है उस तरह की चीज़ें कर सकता है। अब डायबिटीज एक बहुत बड़ी एक समस्या हिंदुस्तान के लिए एक पैदा हो गई थी कि 7 करोड़ डायबिटीज बहुत बड़ी चीज़ होती है, एंड शहरों में तो खास करके बहुत बड़े लेवल पे है, एंड इसमें भारत सरकार का बहुत पैसा इसमें जाता है जिसके चलते हमारे जो जीडीसी डायबिटीज मेटाबॉलिज्म जो डायबिटीज क्योर के लिए जो हमारी एक जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे साथ जुड़ी है, आने वाले समय में हम डायबिटीज फ्री करने का दावा हम करके रहेंगे। सर आपकी ये जो इवेंट हो रहा है 2 अक्टूबर को एक यूनिक इवेंट हो रहा है जहाँ पे इन वन डे 3 लाख पेशेंट्स का ट्रीटमेंट होगा। हमारी ऑर्गेनाइजेशन मेटाबॉलिक ग्रुप मिस्टर हमारे CMD मिस्टर उदय प्रताप सिंह क्लोजली एसोसिएटेड हैं RKHIV के साथ, बिकॉज ये एक चैरिटी और एक सोशल कॉज के लिए है। मिस्टर सिंह का शुरू से चैरिटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। 2005 में वो अल्बर्टा यूनिवर्सिटी USA में अल्बर्टा यूनिवर्सिटी कनाडा में एक डायबिटीज क्योर का यूनिक प्रोग्राम रिसर्च प्रोग्राम पे उन्होंने डॉक्टर जोनाथन आर्टी ले की जो कि वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्ट है उनके साथ काम किया था, उन पे उन्होंने बहुत सालों से काम करके फिर इंडिया में ये अभी हम लोग इसको लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें कि 400 सेंटर्स खुलेंगे।
ये यूनिक प्रोग्राम है जिसमें डायबिटीज को न्यूट्रिशन थेरेपी और सर्जरी के जरिए से हम लोग ट्रीट करेंगे। सिंह साहब आपसे जानना चाहेंगे पूरे इवेंट के बारे में अगर आपसे जी क्या कहना चाहेंगे सिंह साहब? मुझे सबसे पहले तो धर्मेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स कहना है कि मुझे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए और आगे साथ चलने के लिए रास्ता दिखाया इंडिया में, क्योंकि इंडिया में डायबिटीज़ को भारत से एकदम हटा देने के लिए संकल्प लेके मैं 2008 में इंडिया आया था और आज उसी चीज़ पे मैं चल रहा हूँ कि भारत में किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज़ से कोई तकलीफ ना हो। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका आपने देखा होगा कि एक छोटा सा फोड़ा हो गया तो हाथ काटना पड़ता है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो वो सारे तरह के पेशेंट्स को हम लोग आज US में ठीक कर रहे हैं, कनाडा में ठीक कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में ये प्रोग्राम लॉन्च हो सबसे बड़े वे में, इसकी हमारी जो मतलब मेहनत है वो अब रंग ला रही है और 2 अक्टूबर को हम लोग इसको लॉन्च करने का अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि अब हम इस सिटी में इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके लिए धर्मेंद्र जी ने हमको मतलब इस बात की परमिशन दी है कि RK अब ना ओनली HIV एड्स पे ही काम कर रहा है, वो डायबिटीज़ पे भी कर रहा है, वर्ल्ड के हर बीमारी पे काम कर रहा है और इसमें 50 इंटरनेशनल डॉक्टर्स और हमारे 3 बड़े साइंटिस्ट 2 अक्टूबर को आएंगे और उस दिन ये सबसे बड़ा ऐलान होगा भारत में कि डायबिटीज़ अब दवाओं से नहीं सर्जरी थेरेपी और न्यूट्रिशन से ठीक किया जाएगा। 1 लाख ट्रीटमेंट के लिए कहाँ कहाँ से डॉक्टर आने वाले हैं यहाँ पे? डॉक्टर कहाँ कहाँ से मतलब? 50 डॉक्टर्स आएंगे वर्ल्ड के, मतलब जो ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट होंगे 1 लाख होंगे, तो डॉक्टर ये इंडिया के रहेंगे, इंडिया से बाहर कहाँ कहाँ से आने वाले? आपका क्वेश्चन ये सेकंड डॉक्टर का पूछ रहे हैं? हमारे 50 डॉक्टर वर्ल्ड के अलग अलग कोने, स्विट्जरलैंड से आएंगे, US से आएंगे, ऑस्ट्रेलिया से आएंगे, कनाडा से आएंगे, डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड से आएंगे। मिशिका आखिरी सवाल चलते मिशिका, दर्शक कौन सी फिल्में आ रही है आपकी, कौन सी पाइपलाइन में है और दर्शक कब देख पाएंगे आपको सिनेमा घर में? जी सी राइट नाउ एट दिस पोजीशन आई कांट डिस्क्लोज द नेम बट द माय मूवी विल बी गोइंग ऑन फ्लोर इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। डॉक्टर धर्मेंद्र आखिरी सवाल आपसे चलते जानना चाहेंगे, इस प्रकार की तैयारी आपने पहले भी बहुत की थी और जहां पहले भी कहा गया था कि 5,000 डॉक्टर उसमें देखभाल करेंगे और 1 लाख से ज़्यादा पेशेंट आने वाले हैं, इसके पहले आपका एक कार्यक्रम हुआ था जहां पे ना डॉक्टर थे और ना पेशेंट था, तो प्लानिंग बहुत बड़ी बड़ी होती है आपकी लेकिन ग्राउंड लेवल पर जाके कुछ मिस हो जाता है, क्या कारण रहा उसका? देखिए करने से सीखने को मिलता है और आदमी जब गलती जब करता है मैदान में उतरता है तो कभी कभी कुछ चीज़ें घटना के रूप में आ जाती है अपने के सामने जिसके चलते आदमी सीखता है एंड उस पर आदमी काम करता है एंड जो आदमी जो हारता है वही आदमी जीतता है। तो देखिए हमारे ही इवेंट में एक ऐसा इवेंट भी हुआ जिसमें कि एक भी पेशेंट नहीं आया और 40 डॉक्टर थे और कभी ये भी हुआ कि कभी पेशेंट ज़्यादा है कभी डॉक्टर कम आ गए, ये हिंदुस्तान का ही होता है। तो किसी चीज़ में लग रहने से और ढंग से करने से वो कामयाबियाँ ज़रूर हासिल होती है, जिसके चलते आज हम आपके सामने अनाउंस किया कि हम 6,000 करोड़ वर्थ तक का भी हम एक हेल्थ इंश्योरेंस देने जा रहे हैं और इसमें ये एक ऐसा ये है जिसमें कि हर लोग के अंदर इतनी उत्तेजना है कि हम इसमें सपोर्ट करने के लिए हम तैयार हैं और तैयार रहें, जिसमें चलते आज नेशनल के साथ साथ लोकल के साथ साथ इंटरनेशनल भी डॉक्टर आने के लिए तैयार हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेवाएं दे करके और लोगों को फायदा दे सकें। सेलिब्रिटी की बात करें तो बहुत सारे नाम सेलिब्रिटी का दिया गया है लेकिन एक भी देखने वहाँ नहीं मिलता, पिछली बार भी आपने अनाउंस किया था बहुत सारे सेलिब्रिटी का लेकिन एक भी नज़र नहीं आया, क्या कहना चाहिए? जी देखिए हमारे और हमारी टीम की मुलाकात होती है और सब लोग बड़े इच्छुक होते हैं आने के लिए एंड कभी कभी क्या उनके पर्सनल काम हो जाने के कारण से या पर्सनल उनके कुछ तकलीफों के कारण से, बट फिर भी ऐसी बात नहीं है कि सेलिब्रिटी आते हैं। यह है कि बहुत बड़े नाम वाले कभी कभी नहीं आ पाते हैं, जिसके पास जो समय रहता है और उनको जो समय गवाही देती है वो डेफिनेटली आते हैं और उनका सपोर्ट हमेशा हमारे साथ मिलते आए और मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमेशा भी मिलते रहेगा। जैसे कि इस इवेंट में भी काफ़ी लोगों ने अपने आप को एक
हामी भरी है और देखते हैं 2 अक्टूबर को। देखिए हमारा इवेंट सेलिब्रिटी और नेता और अभिनेता के लिए नहीं, हमारा इवेंट का कि जनता को कितना बड़ा हम सपोर्ट, किस रूप से हम सपोर्ट देने जा रहे हैं। तो मेरा मिशन है कि 3 लाख लोगों को 6,000 करोड़ वर्थ का हमें मेडिकल इंश्योरेंस देना। हमारा काम है कि बीइंग ए डॉक्टर होने के नाते, हमारे ऑर्गेनाइजेशन मेडिकल होने के नाते, हम 10 करोड़ से ज्यादा की मेडिसिन, ब्रांडेड मेडिसिन जो कि आमतौर पे पेशेंट को, उन गरीब पेशेंट को मिलती नहीं है, समझ में नहीं आती, देखने को नहीं आती, उस तरह का हम मेडिसिन देने जा रहे हैं। इसके अलावा हमने 80 ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल को हमने टाइप किया है जो कि ये करने, मतलब जिसको सर्जरी की रिक्वायरमेंट होगी उनका हम सर्जरी भी। आखिरी सवाल चलते चलते, 2 तारीख को सूरत में इवेंट होने वाला है, सूरत के लोगों को खास करके जो या मुंबई से या अलग अलग शहरों से उस समय वहाँ पे मौजूद रहेंगे वो आए, इस चीज को क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? मैं सूरत एंड गुजरात वासियों को हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, अपील रहेगी कि वो खुल करके अपने आप को मुहिम में साथ दें, उनका साथ सूरत के विकास के लिए, वहाँ के आम आदमियों के विकास के लिए और कैंप के सक्सेस होने के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। किसी तरह की, जिस तरह का भी चाहे वो सपोर्ट देना चाहते हैं, वो वॉलंटियर सपोर्ट देना चाहते हैं, बाय प्रोफेशन डॉक्टर अगर सपोर्ट देना चाहते हैं, या कुछ चीज़ों को लेकर के आना चाहते हैं, पेशेंट को लेकर आना चाहते हैं, हर तरह से उनके लिए हमारे तरफ से वेलकम है, वो आए, उनका योगदान बहुत बड़ा योगदान होगा इस मेडिकल कैंप के लिए। तो ये हमारी अपील, मैं चाहूँगा कि सूरत के साथ साथ गुजरात वासियों को ये आप जरूर देख लाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो लोग और उनका अपने सपोर्ट लेकर के आए। मिशिका, आप कैसे अपील करेंगे सूरत वासियों को? I would request them, please come to this event, take a opportunity of this medical camp because of I am requesting because of their health issues, cause of a health. So I would like to invite you each and everyone in personally pay. So just visit them and, you know, take advantage of this opportunity. Wish you all the best. Thank you so much.